रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुलिस अधीक्षक ने किया समीक्षा भवन में बैठक, बढ़ते अपराध को लेकर किया समीक्षा बैठक। बांसी नदी अपनी बदहाली पर बहा रही आंसू, कार्तिक पूर्णिमा पर नहान के दौरान दिखी अव्यवस्थाएं। शहर के मुख्य मार्ग में लगा घंटों जाम, जाम के चलते यात्री हो रहे परेशान। बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवा, डीएम ने की अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, सिविल मामलों पर होगी सुनवाई। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बगहा के दियारा पार बिहार यूपी बॉर्डर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नहान किया गया। इस दौरान नदी पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। आपको बताते चलें कि लोगों को मुक्ति देने वाली वांसी नदी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वांसी नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य करते हैं और बांसी नदी में मेला लगता है, जिसके बाद भी नदी पर कोई साफ सफाई नहीं की गई है। प्रतिनिधियों द्वारा समाज सेवा का जबकि स्थानीय दावा किया जाता है। सभी जो भी जन प्रतिनिधि हैं उनको जो है साफ सफाई करा देना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहां पर लोग आते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हल्का फुल्का सफाई यहाँ के लोगों द्वारा कराया गया है, लेकिन जो है उतना अधिक नहीं है कि जो है पूरे लोग जो है इससे जो है निजात पा सके। बांसी मेला की बहुत बहुत विशेषता है। यहाँ बुजुर्गों द्वारा यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब माता सीता के साथ विवाह उपरांत लौटे थे तो यही विश्राम किए थे रात्रि में, और उसके बाद सुबह स्नान करके दान पुण्य किया था, तभी से यह परम्परा शुरू हो गई और वहीं से लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां शहर का मुख्य मार्ग घंटों जाम की समस्या से बाधित रहा, जिसके चलते आम यात्री घंटों परेशान रहे। वहीं मौके पर पहुंचे शिकारपुर पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम की समस्या से निजात पाया गया। सूत्रों की माने तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा चंद कुछ रुपए देकर नो एंट्री में भारी वाहनों को एंट्री दिलाई जाती है। मेन रोड है, यहाँ पे दोनों तरफ अतिक्रमण की भरमार है। नगर परिषद के द्वारा बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर अतिक्रमणकारी सड़कों को छेक कर हावी हो जाते हैं और ये पूरी तरह से नगर प्रशासन की विफलता है, जिसके कारण आए दिन जाम लगता है और एक भयानक दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। खबर भागलपुर से है, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक ने बढ़ते अपराध को लेकर सभी थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षा भवन में बैठक किया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी सहित सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान थाना स्तर पर हुई अपराधों की समीक्षा की गई। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सहित पेंडिंग कांडों को जल्द खत्म करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया और पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को थाना स्तर पर गश्ती करने के निर्देश दिए।
मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की बाइक और मोबाइल सहित 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं गिरफ्तार अपराधियों ने कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 2 और अपराधियों को चिन्हित कर छापेमारी में जुटी हुई है। 9-15 में धवई के पुल के पास एक विकास कुमार, पिता पुलिस पटेल, ग्राम धवई के हैं, उनका मोटरसाइकिल और मोबाइल 3 अपराधकर्मी द्वारा लूट लिए गए, जिस संबंध में हरसिद्धि थाना अध्यक्ष ज्वाला और संग्रामपुर थाना अध्यक्ष गौतम, वहाँ के चौकीदार तफसीर और दफादार जो थे और बाकी फोर्स को सूचना मिली, तो त्वरित रूप से लोग कार्रवाई करते हुए मोबाइल का टेक्निकल सर्विलांस लिया गया। तो इस क्रम में जब उस मोबाइल का ट्रैकिंग करने पर पता चल गया कि मोबाइल जो है एक अशोक कुमार पिता ब्रिजराज ठाकुर, जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में भी था, इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ने के बाद मोटरसाइकिल और मोबाइल के बारे में पता चला और घटना कारित करने वाले अजय साहनी, राजदेव महतो, रुपेश कुमार। मोतिहारी में बैंक के लिए ऋण का भुगतान नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसका आदेश न्यायालय ने दिया, तो वहीं न्यायालय के आदेश पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में बकायेदार की रखी गई संपत्ति का भी अधिग्रहण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के मंडल शस्त्र प्रमुख ने बताया कि शीतल फ्लावर मिल के मालिक के ऊपर बैंक का लगभग 87 लाख रुपए बकाया है, जिस पर बैंक के बार बार नोटिस किए जाने के बाद भी ऋण जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद बैंक न्यायालय की शरण ली। लोन लिया था मोतिहारी से और लोन चुकाने में असमर्थता देखते हुए उनका जो संपत्ति बैंक में मोर्टिज रखा हुआ था उसका सीओ साहब के द्वारा भौतिक दखल बैंक को दिलाया गया। कौन सा बैंक है सर? PNB मोतिहारी साहब। कितना लोन लिया गया? लोन लिया गया अभी आज के डेट में बकाया लगभग 87 लाख रुपया है। कितना दिन प्लस सदर खर्च? कितना दिन हो गया था? ये NPA हुए 2-1.5 साल लगभग हो गया, मार्च 21 में NPA हुआ था। तो इस तरह कई ऐसे बकायेदार हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उसके लिए संदेश यही है कि वो अपना बकाया बैंक में जाकर चुका दें। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में 1 से 19 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि साल में 2 बार सभी को कृमि की दवा खानी चाहिए। इसके उपयोग से शरीर कृमि के प्रभाव से सुरक्षित और सेहतमंद रहता है। जानते हैं कि कृमि के कारण जो है पोषण जो हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, इसके अलावा एनीमिया वगैरह जो है इस संबंधित जो प्रॉब्लम से ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अपने एज के अनुसार जो है सभी अभिभावक जो है अपने बच्चों को ये एल्बेंडाजोल का डोज दे दें, ताकि कृमि का जो है कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और स्वास्थ्य जो है बच्चों का। नालंदा के सिविल कोर्ट में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के सिविल मामलों पर समझौते के आधार पर फैसले लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने प्रेस वार्ता कर दी। इसके तहत मुकदमों का फैसला निःशुल्क किया जाएगा। कि इसका जो नालसा का कैंपेन है सक्सेसफुल हो, 12 नवंबर की हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत सक्सेसफुल हो, इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो ताकि सबको उनके अधिकारों का पता चले। सारे डोर टू डोर कैंपेन है हमारा। सारे PLV पैनल एडवोकेट्स इसमें हमने आशा वर्कर्स, जीविका वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है, और लॉ इंटर्न्स भी अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि ये सब डोर टू डोर आउटरीच के माध्यम से सबसे संपर्क किया जाए और सबको उनके अधिकारों से। खबर नवादा से है, जहां के सर्किट हाउस में रालोसपा जिला प्रभारी राजकुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 10 तारीख को पार्टी राष्ट्रीय से लेकर राज्य के पदाधिकारी जिला स्तर पर बैठक करेंगे, और ये बैठक कार्यकर्ताओं को संगठन का विस्तार और सदस्यता अभियान में तेजी लाने को लेकर यह बैठक की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी योजनाओं राज्य को दी है, उन सभी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के साथियों को नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का मुख्य वजह है कि आने वाले 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय से लेकर राज्य के पदाधिकारी जिला स्तर की बैठक करने वाले हैं। उसमें संगठन का विस्तार, सदस्यता अभियान को तेज करना तथा केंद्र सरकार द्वारा जो हम NDA के सहभागी हैं, कितना योजनाओं हमारी केंद्र सरकार ने राज्य के लिए दी है उसको जनमानस तक पहुंच। खबर नालंदा से है, जहां के जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनी और सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान जनता दरबार में मुख्यमंत्री के अलावा संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर पटना से है, जहां 4 साल के बच्चे की नाली में गिरकर मौत हो जाने से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और सड़क पर आगजनी कर यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वहीं इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर रोहतास से है, जहां फेसबुक पर शादीशुदा महिला से युवक को प्यार हो गया, जिसके बाद प्रेमिका से मिलने आए युवक का प्रेमिका पर उसके सहयोगियों ने अपहरण कर लिया, और मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही छानबीन भी शुरू की और अगियाव बाजार स्थित अमहेता गांव में युवक को सकुशल बरामद कर अपराधी युवक के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। नाम अमित कुमार पांडे है, उनके बारे में उनके भाई अतुल पांडे के द्वारा यह बतलाया गया कि वो अमित पांडे 4
नवंबर 2022 को बनारस से सासाराम ट्रेन के माध्यम से आया तथा उसके बाद सासाराम से विक्रमगंज एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया था इंदिरा नगर में, और उसके बाद उसका वहां से अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पुलिस को जानकारी अगले दिन 5 तारीख को मिली, और जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम के द्वारा इसको काफी गंभीरता से लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमसे जुड़ेंगे। मंजीत, युवक को अपहरण कर लिया गया था, अब उसे साकुशल बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था? पूरा मामला यह है मयूरी जी कि मैं आपको बता दूं कि रोहतास जिला में एक विक्रमगंज अनुमंडल है, वहां की एक शादीशुदा महिला है, उनकी फेसबुक के माध्यम से एक अमित कुमार है वाराणसी का रहने वाला, उनको प्रेम प्रसंग हो जाता है। 4 साल से वो बात करते हैं और 4 साल के बाद वो महिला से मिलने के लिए विक्रमगंज जा रहे थे, तभी उनके सहयोगी यानी महिला का सहयोगी अमित कुमार को अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उनको भोजपुर जिला में उनको छुपा कर रखा जाता है, और पुलिस की जो है कि आवेदन उनके जो अपहरित हैं अमित कुमार उनके भाई जो हैं वो रोहतास एसपी को आवेदन दे सारी बात बताते हैं कि हमारा भाई जो है कि वाराणसी से चला ट्रेन से वो सासाराम आया, और सासाराम के बाद वो किसी बस पकड़ के विक्रमगंज चला गया, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं है। तो इस मामले को रोहतास एसपी आशीष भारती ने गंभीरता से लेते हुए इस मामला को पूरा टीम गठित कर जांच करने लगे। उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि रोहतास पुलिस की गुप्त सूचना मिली कि भोजपुर थाना भोजपुर जिला के एक जो अज्ञाव बाजार है वो अज्ञाव बाजार में अपहरित को छुपा कर रखा गया है, उसी को लेकर छापेमारी पूरा रोहतास एसपी ने किया, और छापेमारी करके सकुशल अमित कुमार जो अपहरित हैं उनको रोहतास पुलिस ने बरामद किया। और बरामद करने के बाद एक जो अपहरण करता है जो महिला का सहयोगी है वो उनको एक उनके पास से देसी पिस्टल एक और जिंदा कारतूस और 4 ताला बरामद की है पुलिस ने। अपहरणकर्ता का नाम है जयराम खरवा जो शाकिम मेहता है, थाना अग्याव बाजार जिला रोहतास का रहने वाला है वो, और यही पूरी मामला है जी। मंजीत, अपराधियों के पास से कई अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, तो गिरफ्तारी तो अब हो गई, अब आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी? आगे की कार्रवाई है क्योंकि इसमें रोहतास एसपी ने आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि इसमें बहुत सारे अभी जो सहयोगी हैं जो अपहरण करता है उनका संलिप्त है इसमें। अभी तो एक फिलहाल उसमें जयराम खरवार को गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास सिर्फ एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 4 ताला मिला है। बाकी अन्य जो सहयोगी है और महिला है उनको लगातार छापेमारी कर ठिकाने का पता चला कराया जा रहा है, और जल्द ही रोहतास एसपी ने कहा कि जल्द ही सभी सहयोगी को जो इस कांड में संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और साथ ही साथ में मैं बता दूं मयूरी जी कि जो देसी पिस्टल जो पकड़ाया है जयराम खरवार जो अपहरण करता था उनको आशीष भारती ने जो रोहतास एसपी है उन्होंने एक निर्देश दिया है कि अलग से आर्म्स एक्ट का तहत एक धाराएं उनपे अलग से किया जाए जयराम खरवार को जो अपहरण करता है जी। धन्यवाद मंजीत तमाम जानकारियों के लिए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पेज, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर सहरसा से है जहां एडीएम एवं सिविल सर्जन ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की और इस दौरान मंडल एवं सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से बच्चों को रूपवती कन्या माध्यम विद्यालय से दवा खिलाया। वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल के बच्चों को कृमि से मुक्ति के लिए दवा खिलाई गई है। का शुरुआत कर रहे हैं बच्चियों के रूप में। यहाँ का 12,23,000 करीब लक्ष्य रखा गया है। इसको हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर, प्राथमिक विद्यालय इससे शुरुआत कर रहे हैं। धीरे पर 2 बार एल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाते हैं जो सभी प्रकार के कृमि पर वर्म्स पर काम करती है। इसको अभी जो हमारे यहाँ पूरे ज़िले में 12,35,091 बच्चों को का टारगेट है, जिसके अंगेट में हम 1946 आंगनबाड़ी केंद्र और 1842 स्कूल, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल हैं, उस पर उनसे बंटवा रहे हैं। खबर सहरसा से है जहां पुलिस ने बीते दिनों हुई लक्ष्मी प्रसाद यादव हत्याकांड मामले को लेकर खुलासा किया और प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने की नियत से देर रात बदमाश मीर टोला पहुंचे थे और इस दौरान पंचर बनाने वाले दुकानदार की नजर इन चोरों पर पड़ गई, जिसके बाद चोरों ने दुकानदार की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर सदर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 20 अक्टूबर को गला रेत करके काफी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग केस बना हुआ था कि कारण किस कारण से स्पष्ट कि ऐसा इतने वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा निर्मम काम क्यों किया गया। सीसीटीवी फुटेज उसको निकाला गया, टेक्निकल अनुसंधान हुआ और इसकी पूरी जो है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में ये टीम इस पर काम कर रही थी। अंतोगत्वा फाइनली मीर टोला के ही 3 लोग जो चोरी का काम करने के उद्देश्य से घूम रहे थे, लक्ष्मी प्रसाद यादव के द्वारा उसको देख लिया गया। खबर बेतिया से है जहां बगहा के रामनगर प्रखंड में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर सिविल सर्जन के निर्देशानुसार एक छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी की गई, जिससे ओम साई क्लिनिक में 11 ऑपरेशन किए हुए मरीज पाए गए, जिसके बाद क्लिनिक के कागजातों की जांच की प्रक्रिया पूरी ना होने पर नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। वहीं चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि अभी ऐसे कई फर्जी अस्पताल बाकी हैं जिनकी जांच की जाएगी और फर्जी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ आपके नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर हम लोगों ने छापामारी की। अभी हम जो साई अस्पताल में हैं, जहां पर 11 मरीज जो ऑपरेशन के मिले हैं, मरीज की उम्र बहुत कम है लेकिन बहुतों को उसमें शिफ्ट। बिहार
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम।